मंच पर उपस्थित श्री श्रीराम कृष्णन जी, डॉक्टर अपूर्व शर्मा जी, श्री एस वी तुलसियानी जी, विजय केडिया जी, इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया, ऐसे मनीबी के शिवानी दाणी वखरे और श्री आशुतोष वखरे, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शिवानी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लगातार पिछले 7 सालों से फाइनेंशियल लिटरेसी पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस विषय को सेंटर स्टेज पर लाने का काम ये उन्होंने किया है। और कई कार्यक्रमों में मैं आया हूं और मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग और विशेष रूप से हमारे युवा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं। पिछले समय मनी बी मंथ जो उन्होंने किया, इसके माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत बड़ा अवेयरनेस तैयार हुआ। और मैंने करीब से देखा कि उनके इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले जो युवा है, इन युवाओं से जब मैंने कई बार इंटरेक्शन किया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वे अपने आप को फाइनेंशियली और फाइनेंशियल लिटरेसी में ग्रो होता हुआ देखते हैं। उनमें से कई लोगों ने कहा कि उनके जॉब्स में उनको फायदा हुआ, कुछ लोगों ने कहा हमारे प्लेसमेंट में हमको फायदा हुआ। तो एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व को एक नए तरीके से ग्रूम करने का काम इस फाइनेंशियल लिटरेसी के आंदोलन के माध्यम से हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने भी यह तय किया, पिछले समय भी महाराष्ट्र सरकार कई बार उनसे जुड़ी, पर हम लोगों ने तय किया कि फॉर्मली हम लोग एक एमओयू करेंगे। एनएसी जो हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, अभी अभी आशीष जी ने हम सभी को संबोधित भी किया है, तो एनएससी, मनीबी और महाराष्ट्र सरकार, ऐसे तीनों मिलकर हम एक एमओयू कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी के इस संपूर्ण कार्य को हम लोग एक अमृत काल का महत्वपूर्ण विषय मानकर और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। और यह जरूरी इसलिए भी है कि कई बार फाइनेंशियल लिटरेसी के कार्यक्रम ये टिक मार्क करने के लिए होते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से शिवानी और आशुतोष इस कार्यक्रम को करते हैं तो सीधे एक इन्वेस्टर अवेयरनेस इस कार्यक्रम के माध्यम से खड़ा होता हमको दिखाई देता है। और आज जिस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, अभी तो तीसरी है, तीसरी से दूसरी बनेंगे, दूसरी से शायद एक समय वो भी आएगा कि हम पहली बनेंगे। ये जो बहुत तेजी से हम अग्रसर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे समय कोई भी अर्थव्यवस्था जब तेजी से बड़ी होती है तो उसके बड़े होने में फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, ये जब एक्सपांड होते हैं, उस समय उन मार्केट्स से बहुत अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है। और ये अपॉर्चुनिटीज अगर आम आदमी तक पहुंचे तो आम आदमी भी अपना भविष्य प्लान कर सकता है।
एक आज से 15-20 साल पहले हम लोगों ने देखा, एक जमाना था कि लोग केवल अपना पैसा बैंकों में रखते थे, क्योंकि बैंकों के रेट ऐसे हुआ करते थे कि 5 साल में दुगना हो जाता था पैसा, 17%, 20% का रिटर्न बैंकें देती थी, और उस समय बैंकों से कर्जा लो तो 22% और 25% ब्याज देना पड़ता था। तो लोगों को लगता था कि सेफेस्ट जगह है हमारे पैसे के लिए तो बैंकें हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे ध्यान में आने लगा कि इस प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्टेन नहीं हो सकते, विशेष रूप से अगर अर्थव्यवस्था को विस्तारित करना है तो जो कर्जा हम देते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जब तक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तब तक हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का भाग नहीं बन सकते। इसलिए धीरे धीरे हमारे देश में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगे। लोगों के ध्यान में यह भी आया कि बैंकों में मिलने वाला जो रिटर्न है ये इन्फ्लेशन से अगर कम होगा तो भले ही नोशनली हमारे पैसे की वैल्यू इंटरेस्ट से बढ़ती हुई दिखेगी लेकिन उसकी रियल वैल्यू ये कम होती जाएगी, तब लोग ये समझते हैं कि केवल बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना यानी अपने पैसे का महत्व कम करना है, उसकी वैल्यू कम करना है, और वो भविष्य में हमको चाहिए वो रिटर्न्स नहीं दे सकते। ऐसे समय जो आज फाइनेंशियल मार्केट एक्सपांड हुआ है इसमें उचित तरीके से अगर निवेश किया जाए तो हम इन्फ्लेशन को बीट करते हुए हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और हमारे भविष्य का प्लानिंग कर सकते हैं। आज अगर हम विचार करें तो साधारणतः अगर सरकारी कर्मचारी हम छोड़ दें तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई पेंशन नहीं है या जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनकी सोशल सिक्योरिटी उनको प्लान करनी है, और अगर सोशल सिक्योरिटी का प्लानिंग करना है, अगर मैं 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता हूं या मुझे ऐसा लगता है कि 55 साल के बाद पता नहीं मेरी हालत क्या होगी, उसके बाद मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये सारे प्रश्न जिनके सामने जो 90% हमारी आबादी है, इस आबादी को अपने पैसों का और अपने भविष्य का प्लानिंग खुद करना पड़ेगा, और इसलिए अपने पैसे बचाकर उन पैसों का ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना पड़ेगा कि जहां पर हमको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाना पड़ेगा जहां पर हमें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, हमको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार के कई इंस्ट्रूमेंट्स आज देश में आए हैं, लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का भी ठीक से अध्ययन होकर और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको फाइनेंशियल रेगुलेटर ने ठीक से मान्यता दी है, जिसमें रिस्क कम है, जिसका रिस्क असेसमेंट हुआ है, ये सारी चीजें भी हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ऐसी ऐसी स्कीमों में फंस जाते हैं। अभी मैं तो होम मिनिस्टर भी हूं, तो होम मिनिस्टर के रूप में 5 साल पहले भी रहा, तो केसेस जो हमारे सामने आती है वो इसी प्रकार की आती है कि 25% रिटर्न देने की बात करके पैसा ले लिया और उसके बाद न कंपनी कहाँ है पता है, न डायरेक्टर कहाँ है पता है, न पैसा कहाँ है पता है। ऐसे कई इतने कांड इस देश में और महाराष्ट्र में हुए क्योंकि लोग ये देखते नहीं है कि ये रिटर्न देने की बात करते इनके फंडामेंटल्स क्या है, ये किसके भरोसे देंगे। 25% रिटर्न देने की कोई बात करता है तो या तो वो सट्टे का धंधा करता है या उसको अपनी वेल्थ कम करनी है। हाँ, कुछ बहुत ही ब्लू चिप जगह पर आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते ऐसा नहीं है, पर जिसका कोई फंडामेंटल ठीक नहीं है, जिसका कोई बिजनेस समझ में नहीं आता है, जिसका कोई मॉडल ध्यान में नहीं आता है, ऐसे लोग
जिस समय हाई रिटर्न की बात करते हैं और गरीब आदमी, और कई बार मैं तो देखता हूं कि रिटायर्ड लोग अपनी सारी पूंजी उसमें लगा देते हैं और उसके बाद फिर पुलिस के चक्कर काटते होते हैं कि भैया अब हमारे पैसे डूब गए, कम से कम ब्याज छोड़ दीजिए, हमारा जो मूल है वो भी मिल जाए, तब भी हम लोग उसमें सेटिस्फाइड है, पर वो भी कई लोगों को नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें जो आज हो रही है, इन चीजों को समझना, मार्केट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में हम लोग किस प्रकार से कदम रख पाए, इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस होना ये बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब भारत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत करता है। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को बैंक अकाउंट दिया, जनधन का अकाउंट दिया, और साथ साथ डीबीटी और मोबाइल ऐसी एक ट्रिनिटी तैयार की, उस समय लोग ये कहते थे कि ये सारी बातें हवा की बातें, गरीब आदमी कहां से यूज करेगा, गरीब आदमी कहां से मोबाइल का इस्तेमाल करेगा, वो कहां डीबीटी पर बैंक अकाउंट में पैसे लेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब्जी वाले के यहां भी धीरे धीरे हम डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं। दुनिया का सबसे अच्छा डिजिटल पेमेंट का गेटवे ये भारत ने तैयार किया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। और आज जिस प्रकार से ये डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, आजकल लोग जेब में पैसा लेकर नहीं निकलते, मोबाइल लेकर निकलते, अब कार्ड भी धीरे धीरे बाहर जा रहा है, कार्ड भी रखना बंद कर रहे हैं लोग और मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जिस प्रकार का ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाते हुए हमको इसमें अवेयर रहने की भी आवश्यकता है। कई बार मोबाइल पर लोगों को मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा होता है कि आपको लॉटरी लग गई है और आप इतने पैसे भर दीजिए, और व्यक्ति सोचता नहीं है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जिन्होंने ये विचार नहीं किया कि भाई मेरे को क्यों लगेगी लॉटरी, और अगर मुझे लॉटरी लगी है तो मुझे पैसे भरने को क्यों बोल रहा है, ये पैसे मुझे दे दे, और लोग पैसा भर देते हैं, न लॉटरी होती है न कुछ होता है, उनका पैसा भी चला जाता है, क्योंकि कभी ये विचार नहीं करते कि अगर लॉटरी है तो ये सही है क्या, इनके पास लाइसेंस है क्या, इनके कोई रेगुलेटर है क्या, हमने अप्लाई किया था कि नहीं किया था। तो इसलिए ये बात तो हमने समझ लेनी चाहिए, ऐसा कहते ना कि देयर इज नो फ्री लंच, तो कभी भी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, और फाइनेंशियल मार्केट में तो कोई चीज मुफ्त की नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में हर चीज की अपनी कीमत है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर जब उसको समझ के उसमें इन्वेस्ट करता है तो निश्चित उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। और आज इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टर्स तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर देश की अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो देश की अर्थव्यवस्था में निवेश होना चाहिए। और ये निवेश कहां से आता है? ये निवेश इन्वेस्टर से आता है, छोटे इन्वेस्टर से लेकर तो ग्लोबल इन्वेस्टर तक, हर व्यक्ति जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसके पैसे से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, उस अर्थव्यवस्था में एक सर्कुलेशन आता है, एक सर्कुलर इकोनॉमी उसकी तैयार होती है। तो ये सारी चीजों को समझना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारे को क्या करना है, हम तो भैया अपना काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ये हमारे लिए कोई इसकी जरूरत नहीं। लेकिन हम जिस प्रकार की व्यवस्था में जा रहे हैं और जिस अमृत काल की बात कर रहे हैं, आज देखिए अभी यहां यूनिकॉर्न की सिलिकॉन की बात हुई, कभी लगता था कि हमारे देश में इतनी बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार होगी कि चीन के बाद सेकंड नंबर पर हम जाएंगे, और दुनिया में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 सालों में सबसे ज्यादा स्टार्टअप दुनिया के भारत में तैयार होंगे, ये व्यवस्था आज भारत में तैयार हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर हम देखेंगे
तो इसमें केवल बड़े शहरों के लोग ऐसा नहीं है, छोटे छोटे कस्बों के लोग भी, छोटे छोटे गांव के लोग भी आज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जीवन को कैसे सहूलियत मिले इस प्रकार के स्टार्टअप तैयार करते हैं और वो स्टार्टअप सिलिकॉन यूनिकॉर्न तक पहुंचते हैं। ये जो एक इस अर्थव्यवस्था ने हम लोगों को एक नया अवसर दिया है। मैं कई बार ये कहता हूं कि जब हम छोटे थे तो टाटा बिरला का नाम सुनते थे, आज अडानी अंबानी का नाम सुनते हैं, और इन लोगों ने एक बहुत फंडामेंटली अपनी कंपनी को ग्रो करते करते आज वो कोई दुनिया के तीसरे नंबर पर है, कोई दुनिया के सातवें नंबर पर है। पर ये स्टार्टअप और यूनिकॉर्न वाला मसला ऐसा है कि इसमें कल तक जो व्यक्ति को कोई जानता नहीं था वो चार सालों में दुनिया के पहले 100 लोगों में दिखाई पड़ता है। ये ताकत स्टार्टअप इकोसिस्टम की आज हमको दिखाई देती है और ये आज भारत में हो रहा है, ये भारत में हमको दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इस आने वाली पीढ़ी को इसमें अवेयरनेस ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। अभी हम लोग महाराष्ट्र में साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये मार्केट एक्सपांड हो रहे है और डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि स्ट्रीट क्राइम नहीं होगा, अब सारा का सारा क्राइम ये व्हाइट कॉलर क्राइम होगा, ये सारा फाइनेंशियल क्राइम होगा। और इसी के मद्देनजर अब महाराष्ट्र में एक बहुत रोबस्ट इस प्रकार का एक हम लोग साइबर रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हम लोग ये प्रयास करें कि ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आए, बैंक्स भी आए, एनबीएफसीज भी आए, रेगुलेटर्स भी आए, इन्वेस्टर्स भी आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आए, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म को इतना रोबस्ट करने की हमारी हमारा प्रयास है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड में रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लो। अगर उतने रिस्पॉन्स टाइम में आपने अकाउंट को सीज नहीं किया और ट्रांसफर को बंद नहीं किया, तो एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट से तीसरा अकाउंट, 7-8 अकाउंट जंप करके कई बार तो पैसा विदेश में चला जाता है, आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर चला जाता है और वो पैसा कभी मिलता ही नहीं है। और इसलिए इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इसका रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और सारे के सारे रेगुलेटर्स का भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका भी सहभागिता उनकी भी यहां पर हो, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो इन्वेस्टर्स है इनके साथ जो फ्रॉड होते, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होते हैं, डेबिट कार्ड के फ्रॉड होते हैं, ऐसे सारे फ्रॉड्स को उसी समय रोका जा सके और ये जो पैसा है इस पैसे को हम किस प्रकार से रोक पाए, ये प्रयास भी हमको सबको मिलकर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, एक मील का पत्थर है, और एमओयू जो हम लोग कर रहे हैं वो एमओयू इस कार्यक्रम को और नीचे के स्तर पर लेकर जाएगा, एक ऐसा ब्रिज तैयार करेगा कि जिससे आम नागरिक इस अवेयरनेस कैंपेन में शामिल होगा और आने वाले दिनों में एक फाइनेंशियली लिटरेट, जैसे मुझे याद है एक जमाना था हमारे प्रमोद महाजन जी 2000 में कहते थे कि 90 के दशक में लिटरेसी का मतलब यह होता था कि व्यक्ति पढ़ना लिखना जाने, लेकिन वो कहते थे कि अब ये नया मिलेनियम जब चालू हुआ है तो लिटरेसी का मतलब है कि व्यक्ति ये कंप्यूटर लिटरेट हो, इसको इंटरनेट पता हो, लेकिन अब लिटरेसी थर्ड लेवल पर जा रही है। अब केवल आपको इंटरनेट पता होना इज नॉट लिटरेसी, नाउ यू हैव टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। जो फाइनेंशियली लिटरेट है वही आने वाले समय में अमृत काल के हमारे इन 25 सालों में जिस प्रकार का जंप हम लेंगे, उस जंप में सर्वाइव करने का काम और ग्रो करने का काम वही व्यक्ति कर पाएगा जो फाइनेंशियली लिटरेट होगा, और उसी लिटरेसी को आगे ले जाने का काम इस एमओयू के माध्यम से हम लोग करेंगे। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मंचासीन सभी महानुभावों का एक बहुत बड़ा उनका रोल होगा, आपकी बहुत ज्यादा मदद उसमें होगी। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार शिवानी और आशुतोष
इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।